Good afternoon, students. I am Priti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to continue our chapter number 4, Sites of Ancient Civilization in Rajasthan. इसमें हमने last जो class थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? राजस्थान के जो different civilization है उन सब के बारे में, कैसे वो सेटल्ड हुए, उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, क्या क्या चीजें वो यूज करते थे और कौन कौन से मेटल्स और मिनरल्स को यूज किया गया, इन सब चीजों के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। आज का जो हमारा नेक्स्ट सिविलाइजेशन है वो है गणेश्वर। पेज नंबर 20, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गणेश्वर। The remains of a distinct culture are found at Ganeshwar in Neemkathana Tehsil of Sikkar District. Sikkar District के Neemkathana Tehsil में ये Ganeshwar जो है वो वहाँ पर present है। This is called copper accumulated culture. Ganeshwar को copper accumulated culture कहा जाता है, means copper जो है उसका mainly use होता था। And this culture flourished in the region of eastern Rajasthan and Ganga Ghati. ये जो culture है, ये civilization जो है, ये flourished हुआ, ज़्यादातर spread हुआ हमारे राजस्थान के eastern regions में, eastern part में, राजस्थान के eastern part में और गंगा घाटी में। Copper tools are found in abundance at Ganeshwar. गणेश्वर में जो copper tools है उनका सबसे ज्यादा use होता था। The reason behind this must have been the proximity to Khetri copper store. और ये जो इसका main reason है, क्योंकि यहाँ Khetri copper जो है, यहाँ पर क्या था? Copper जो था वो ज़्यादा वहाँ पर quantity में present था, जिसके कारण वहाँ सबसे ज़्यादा copper का use किया जाता था। The main equipment are और major जो equipment है, जिसमें वो use करते थे coppers को, वो थे आपके arrows, chisel, fishing hook, razor plates and rings. Means अलग अलग equipment जो भी चीजें उनके काम में आ रही है उसको वो copper से बनाते थे। It seems double helical Venus copper pins were exported to Western and Middle Asia from here. यहाँ तक कि Western और Middle Asia में copper से बनी हुई pins जो हैं उनको भी वो भेजते थे। Two types of earthenware are found in Ganeshwar. गणेश्वर में दो तरह के earthenware बनते थे। एक तो था आपका लाइट रेड कलर थिन वेसल ऑफ प्री हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन में जैसे अर्थनवेयर पॉट्स पाए गए थे, सेम उसी तरह के अर्थनवेयर जो थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे, कहाँ? गणेश्वर में, जो कि बिल्कुल लाइट रेड कलर के होते थे। स्ट्रॉन्ग वेसल्स ऑफ डिस्टिंक्ट पेंटिंग इन रेड स्मूथ सॉइल, जार पिक्चर, बाउल्स, पैंस, लिड वेसल्स एक्सेट्रा आर प्रोमिनेंट अमॉन्ग दीज वेसल्स। और उन वेसल्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से होते थे? जो कि रेड स्मूथ कलर के, जैसे कि सॉइल टेक्सचर जो है उस कलर का होता था, और उसके साथ साथ जैसे कि जार है या कोई वेसल बना हुआ है, लीड वेसल है जिसमें से लिंक वगैरह इंक जो है वो सेंड किया जाता था, तो उससे इनको बनाया जाता था, अपने यूजेस के अकॉर्डिंग चीजों को बनाया जाता था। The civilization of Ahad and Ganeshwar belong to Copper Stone Age, but remains of Iron Age are also found in the upper level of this civilization. कि यहाँ Ahad और Ganeshwar civilization में copper का use सबसे ज्यादा होता था, इसीलिए इसे Copper Stone Age कहा जाता था। इसके साथ साथ यहाँ iron जो है उसका भी use होता था, और इसके कारण इसे Iron Age के नाम से भी कहा जाता है। Description of the sites of Bairat, Sambhar, Bagur, Ret, etc. are important to know about the Iron Age civilization. लेकिन अगर हमें Iron Age civilization के बारे में अगर जानना है, तो उसके लिए हमें ये जो ages हैं, जैसे कि Bairat, Sambhar, Bagur और Ret, ये उनमें से important है जिससे हम Iron Age के बारे में जान सकते हैं। Next हमारा topic है Bairat. Bairat town situated in Jaipur district has remained a chief center of culture and civilization in every epoch. कि Bairat town जो है
वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है और ये अपने सिविलाइजेशन, अपने कल्चर के लिए बहुत ज्यादा ही फेमस है। द हिल ऑफ बीजक एंड भीम डोंगरी हेयर आर आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पर आर्कोलॉजिकली बहुत सारी चीजें यहाँ प्रेजेंट थी, इस कारण बीजक और भीम डोंगरी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स माने जाते हैं। दिस इज मेंशन एज विराट नगर द कैपिटल ऑफ मत्स्य जनपद इन महाभारत, वेयर पांडव स्पेंड देयर लास्ट डेज ऑफ एक्साइल इन एन एनोनिमिटी। कि आप लोगों ने देखा होगा महाभारत के अंदर पांडव जो थे वो कुछ टाइम तक मतलब कि किसी के सामने नहीं आते थे, जो मतलब उनका वनवास चल रहा था उस वक्त जो है उस टाइम पर ये मेंशन किया गया है विराट नगर में, कि जो मत्स्य है वो कैपिटल था उसका, जनपद मत्स्य का जनपद जो था वो कैपिटल रह चुका है। दिस सेंटर वाज आल्सो इम्पोर्टेंट इन मौर्यन पीरियड, कि ये भी एक इम्पोर्टेंट मौर्यन पीरियड है। एंड टू पिलर्स एडिक्ट भाबरू और बैराट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड रिमेन्स ऑफ बुद्धि मोनास्ट्रीज आर फाउंड हियर। यहाँ पर टू रॉक एडिक्ट, टू पिलर एडिक्ट जो कि आयरन से बने हुए थे और उस पर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए जो कि अशोका के टाइम के प्रेजेंट थे। ऐसा माना जाता था कि ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो थे उन लोगों ने यहाँ छोड़ रखा है। 36 सिल्वर कॉइन्स आर फाउंड इन वन रूम हियर, यहाँ पर 36 सिल्वर कॉइन्स एक ही रूम में प्रेजेंट थे और वो मिले थे इनको। ऑफ दीज 8 आर ऑफ पंच मार्क, उनमें से 8 जिन पे पंच मार्क लगा हुआ था। एंड 28 बिलोंग्स टू इंडियन ग्रीक रूलर, और उनमें से 28 कॉइन्स जो थे वो ग्रीक रूलर्स के थे। इन एक्सकावेशन पॉट्स एडॉर्न विद स्वस्तिक, कि पॉट्स जो थे एक्सकवेशन के टाइम पर, यानी कि जब आर्कोलॉजिस्ट जो फाइंड आउट कर रहे थे पुरानी चीजों को, तो उसमें उन लोगों ने क्या देखा कि जो मिट्टी के जो पॉट्स बने हुए हैं उसके ऊपर स्वस्तिक बना हुआ है। एंड 3 जेम्स व्हील मार्क लैम्प डांसिंग बर्ड स्टोन बॉक्सेस, उसके अलावा व्हील मार्क बना हुआ है, लैम्प है, डांसिंग बर्ड, स्टोन बॉक्सेस, आयरन नेल्स एंड हैंडमेड क्लोथ्स आर फाउंड, कि हाथ से बने हुए कपड़े वो भी यहाँ प्रेजेंट थे। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन साइट्स बेंगोर इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा यहाँ की आयरन एज के लिए अगर हमें और भी ज्यादा डिटेल में अगर जानना है तो इसके लिए भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का बागोर, ओझियाना, सांबर, जोधपुरा सिचुएटेड एट जयपुर डिस्ट्रिक्ट, नगर रेंद सिचुएटेड इन टोंक डिस्ट्रिक्ट, नागारी एट चित्तौड़, नू एट भरतपुर, भीनमाल एट जालोर, राजसमंद, पंचमाता, गिलुंद इन राजस्थान आर साइट्स द अनइवल कल्चर ऑफ स्टोन। कि अगर हमें स्टोन, कॉपर और कॉपर आयरन पीरियड के बारे में अगर हमें जानना है और भी डिटेल में, तो ये राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और प्लेसेस के नाम हैं जिनसे हम और भी डिटेल में इनकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये चैप्टर हो गया आपका आज कंप्लीट। इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कालीबंगा इज सिचुएटेड, कालीबंगा जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिख लीजिए, वो है आपका हनुमानगढ़। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है अशोकास भाबरू इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम, कि अशोका भाबरू इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें कहाँ से मिला। अभी अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा है और वो कहाँ था, बैराट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डैश इन नीम का था, नीम का थाना तहसील ऑफ सिक्कर डिस्ट्रिक्ट रिमेन्स ऑफ ए डिस्टिंक्ट कल्चर आर फाउंड। तो इसमें आएगा आपका सेकेंड जो ऑप्शन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका गणेश्वर। इसका आंसर होगा आपका गणेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट टाउनशिप इन एंशियंट टाइम्स वॉज नोन बाई द नेम ऑफ टाउन,
यानी कि जो एंशियंट टाइम्स में आहट टाउनशिप को क्या कहा जाता था, तंबावती, तांबावती। तांबावती कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, राइट एनी टू साइड्स ऑफ कॉपन स्टोन एरा। आपका टू कॉपन स्टोन स्टोन एरा कौन सा है? जो थर्ड पॉइंट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आएगा आपका, आहड़ एंड गणेश्वर, कि जिसमें कॉपर का सबसे ज्यादा यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट रेमनेंट्स ऑफ बलाथल सिविलाइजेशन आर फाउंड। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट रेमनेंट्स ऑफ बलाथल सिविलाइजेशन आर फाउंड। इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर टू का, रेमनेंट्स ऑफ बलाथल सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन आर फाउंड फ्रॉम उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बैंक ऑफ विच रिवर आहर सिविलाइजेशन डेवलप्ड। एट द बैंक ऑफ विच रिवर आहर सिविलाइजेशन डेवलप्ड। आहर सिविलाइजेशन was developed on the bank of आहट, या ब्रैकेट में आप लिख लो इसको, बेदाच रिवर। बेदच रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द एंशियंट साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन इन राजस्थान, गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टू। हमें किसी टू को डिस्क्राइब करना है आहट सिविलाइजेशन में, सॉरी एंशियंट साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन में। तो इसमें इसका आंसर लिख लो। क्वेश्चन नंबर फोर में फर्स्ट इसका आंसर है, there are many ancient sites of civilization in Rajasthan।
इन राजस्थान, जिनमें से कुछ नाम हमें यहां लिखने हैं। फर्स्ट है आपका कालीबंगा, बी में है अघातपुर या आहट, सी है आपका बलाथल, डी ऑप्शन है इसमें है आपका गणेश्वर, ई है बैराट, BARAT, बैराट, और फिर एक्सेट्रा कॉमा लगा के। अभी ये आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि हमें इन सभी में से किसी दो को एक्सप्लेन करना है। तो किसी भी दो को हम ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं कालीबंगा। तो ये 1, 2, 3, ये तीनों के क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने अपनी नोटबुक में कर लिए। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कालीबंगा के बारे में। तो देखो, इसमें सबसे पहले आएगा आपका काली बंगा, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे काली बंगा इज सिचुएटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ घाघर रिवर। इसका सेकेंड पॉइंट लिखो, ए टाउन ऑफ सिंधु ए टाउन ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पीरियड इज फाउंड वेयर ब्रिक्स वर यूज्ड इन हाउसेस, ब्रिक्स वर यूज्ड इन हाउसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे वो है आपका आहड़। ये नीचे वाला पॉइंट हो गया ना आपका। यस मैम।
तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आहड़ इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ उदयपुर इन द ईस्ट ऑफ उदयपुर ऑन द बैंक ऑफ On the bank of Ahad River. Second जो point है वो है आपका the walls found in this place. The walls found in This place are made of stones and mud. Stones and mud. वो last वाला जो word है ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको. एंड मड यहां लिख देती हूं एंड मड MUD. अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है मेंशन द फीचर्स ऑफ एंशियंट साइट ऑफ कालीबंगा. ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि कालीबंगा के बारे में हमने लिख लिया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में. तो ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे. ओके तो ये आप चैप्टर जो है वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स.